हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है निर्वाणा कंट्री की। 375 गज की ये प्रॉपर्टी है, सारे फ्लोर्स इसमें अवेलेबल हैं। प्रॉपर्टी की जो फेसिंग रहेगी नॉर्थ ईस्ट रहेगी, क्लब फेसिंग प्रॉपर्टी है ये। और बाकी बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी बनी हुई है, सेक्टर 50 गुड़गांव में है ये प्रॉपर्टी। एंड चलिए आज की प्रॉपर्टी अब मैं आपको दिखाता हूँ, पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की प्रॉपर्टी अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी फ्रंट प्रोफाइल है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये एंट्रेंस है, ये आपको दिख रहा है जो लोहे का गेट है। ये सारी फिनिश आ जाएगी इस पर जब, बहुत अच्छा लगेगा ये गेट। एंड ये यहाँ पे हमारा वाटर टैंक आ जाता है। ये हमारी सारे जो भी है, थोड़े टाइम का काम रह रखा है यहाँ पे बस। ऊपर कॉब लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पे। एंड ये देखिए ग्रीनरी, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है हमारी जो बिल्डिंग के सामने है। ये नीचे देख सकते हैं, आपको अभी गंदा दिख रहा है सारा, ये साफ होने के बाद एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगी ये प्रॉपर्टी। ये देखिए पार्किंग में भी जो है पूरी में हमारी फॉल सीलिंग हो रखी है। और यहाँ पे हमारा बैकयार्ड है, एंड पीछे से कुछ ऐसी दिखती है बिल्डिंग। एंड ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिफ्ट का जो है सामान आके रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए शिंडलर की लिफ्ट लगेगी यहाँ पे। ये इस साइड पे लिफ्ट का काम चल रहा है। एंड ये देखिए यहाँ पे भी शिंडलर की लिफ्ट का सामान रखा हुआ है। एसएस की रेलिंग मिल जाती है। तो चलिए स्टेयर्स से चलते हैं, मैं आपको जो है अपर ग्राउंड फ्लोर हमारा दिखा देता हूँ। ये लिफ्ट लॉबी आ जाती है यहाँ पे। एंड चलिए एंटर करते हैं अब यहाँ से। ये एंटर करते ही हमारा डोर आ जाता है यहाँ पे। ये देखिए गोदरेज का लॉक मिल जाता है यहाँ पे। एंड ये वायरिंग जो है हमारी नीचे सिक्योरिटी कैमरास के लिए है। एंड चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, हमारा ड्राइंग रूम है ये। यहाँ पे डाइनिंग एरिया आ सकता है हमारा। एंड यहाँ पे दो एसी की फिटिंग मिल जाती है आपको। और नीचे देख सकते हैं इटालियन मार्बल है हाई क्वालिटी का। ये देखिए पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो चलिए आपको फ्रंट बालकनी दिखा देता हूँ अब मैं। व्यू देखिए सामने, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी मिल जाती है यहाँ पे हमें। एंड सामने टैप मिल जाती है। बाकी सिक्योरिटी पर्पस से इससे अच्छी प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी। एंड ये सामने देख सकते हैं वुडन पैनल लगे हुए हैं। तो ये थी हमारी बालकनी। इस साइड पे लेके चलते हैं आपको, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा पाउडर रूम है यहाँ पे। एंड कुछ इस तरह की हमें वॉल पे फिनिश मिल जाती है, ये देखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं विट्रा की फिटिंग मिल जाती है आपको। नीचे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। एंड यहाँ पे जो है मार्बल यूज़ किया हुआ है इस पर। ये था हमारा पाउडर रूम। और इस साइड पे जो है हमारा मंदिर स्पेस आ जाती है।
तो चलिए अब आपको मैं किचन दिखा देता हूँ। हमारी साइड पे किचन आ जाती है, ब्यूटीफुल किचन। इस साइड पे जो है हमारा फ्रिज के लिए स्पेस दी हुई है। एंड ये देखिए, मैं एलईडी लाइट्स ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एलईडी लाइट्स फिट मिल जाती हैं आपको। तो चलिए ये सारा जो है मैं अब आपको स्टोरेज स्पेस दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिश मिल जाती है एलईडी लाइट लगने के बाद। यहाँ पे ये देखिए, अब बाकी की स्टोरेज स्पेस चेकआउट कर लीजिए आप। यहाँ पे चिमनी और यहाँ पे हॉब लगा के देंगे आपको। एंड ये भी लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एलईडी लाइट्स हैं। एंड बाकी की स्टोरेज स्पेस देख लीजिए अब आप। एंड ये देखिए हेटिच की फिटिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे सारी। यहाँ पे डबल बोल सिंक मिल जाती है आपको, इसकी फिटिंग रह रही है अभी। एंड बाकी स्पेस देख लीजिए अब आप। यहाँ पे आपको अप्लायंसेस के लिए जगह मिल जाती है, बाकी ये नीचे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और ऊपर भी आपको। तो ये थी हमारी किचन। अब चलिए आपको बालकनी दिखा देता हूँ मैं, रियर बालकनी जो है हमारी यहाँ पे। ये ऊपर जो है आपको गीजर की फिटिंग मिल जाती है। एंड इस साइड पे आपको सिलेंडर के लिए फिटिंग मिल जाती है। एंड सामने टैप मिल जाती है उस कॉर्नर में। एंड ये सामने आपको मैं एक सेकंड जूम करके दिखा देता हूँ, वो वहाँ पे जो है हमारे घर के पीछे पार्क मिल जाता है यहाँ पे पास में ही। तो चलिए अब आपको मैं फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ हमारा। एक सेकेंड लाइट ऑन कर देता हूँ मैं यहाँ की भी। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा यहाँ पे। ऊपर आपको एसी की फिटिंग मिल जाती है, ये वही बालकनी है इस साइड पे। एंड विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। एंड फॉल सीलिंग देखिए। तो चलिए आपको अब मैं वार्डरोब और हमारा वॉशरूम दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए इस साइड पे दोनों साइड पे वार्डरोब आ जाती है हमारी। हाफ वुडन एंड हाफ ग्लास की वार्डरोब है हमारे जो गेट हैं इसके। We'll be right back.
चलिए इसका अब मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी सेम विट्रा की फिटिंग मिल जाती है आपको, एंड यहाँ पे भी ये मार्बल मिल जाता है इस पर, एंड देखिए कितना बड़ा मिरर मिल जाता है यहाँ पे, नीचे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है हमें, एंड इस साइड पे हमारा शावर एरिया आ जाता है ग्लास पार्टीशन के साथ। ये देखिए कुछ ऐसी फिनिश मिल जाती है वॉल्स पे, एंड यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। चलिए आपको मैं सेकंड बेडरूम दिखा देता हूँ इस साइड पे। एसी की फिटिंग मिल जाती है हमें यहाँ पे, एंड इस साइड पे हमारी वार्डरोब आ जाती है। चलिए वॉशरूम दिखा देता हूँ यहाँ का अब मैं। यहाँ पे भी सेम विट्रा की फिटिंग मिल जाती है आपको, एंड नीचे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, एंड एक सेकेंड, ये हमारे यहाँ पे विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और ग्लास लगा हुआ है पार्टीशन के लिए शावर के, एंड यहाँ की मैं बैल्कनी दिखा देता हूँ। थोड़ी सी छोटी है ये साइज़ में बैल्कनी, पर हर रूम के साथ हमें यहाँ पे बैल्कनी मिलती है। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। चलिए अब आपको मैं थर्ड बेडरूम दिखा देता हूँ हमारा। थोड़ा सा सामान फैला हुआ है क्योंकि काम चल रहा है इसमें, फाइनल जो हमारा होना है ये देख सकते हैं यहाँ पे, एंड ये वही बालकनी है जो मैंने किचन से दिखाई। यहाँ पे एसी की फिटिंग मिल जाती है, एंड इस साइड पे हमारी वार्डरोब आ जाती है। एक सेकेंड, ये शायद लॉक हो रखी है इस वजह से नहीं खुल रही है, यहाँ से लॉक हो रखी है ये, एंड इस साइड पे हमारा वॉशरूम आ जाता है इसका। ये देखिए कैसी फिनिश मिल जाती है, ये देखिए यहाँ पे पार्टीशन है हमारा शावर के लिए, सेम यहाँ पे विट्रा की फिटिंग मिल जाती है आपको। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। चलिए अब मैं आपको हमारा जो है फोर्थ बेडरूम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है थोड़ा सा, एंड यहाँ पे एसी की फिटिंग मिल जाती है आपको। ये हमारी वही फ्रंट बालकनी है जो मैंने दिखाई थी आपको स्टार्टिंग में ड्राइंग एरिया से। इस साइड पे वार्डरोब आ जाती है हमारी। इस साइड पे हमारा वॉशरूम आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ग्लास लगेगा अभी, एंड ये हमारी सेम विट्रा की फिटिंग मिल जाती है, सामने ग्लास पार्टीशन के साथ शावर मिल जाता है। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी, एंड अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए लेके आते हैं हम वीडियोस। एंड आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है इस पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉपर्टी आपको गुड़गांव में देखनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।